गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। बंद हूँ गुरु पद पदम परागा बंद हूँ गुरु पद पदम परागा सुरुच सुभाष सरस सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अरे ताके हैं युग पद कमल मनावो जा शुक्र पान रमल मत पावो सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान आसन आए बिराजिए तेज पुंज तक नगर में क्षेत्र में आवाज पहुंच रही हो सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आने की कृपा करें। आज हमारे जगदीश चाचा जी बहुत सुंदर झांकी दिखा रहे हैं। भगवान शिव जी नंदीसुर पर विराजमान होकर के आएंगे तो आज नंदीसुर बनावटी नहीं होंगे, बिल्कुल सत्य होंगे। वो झांकी तुम्हारे सामने बहुत सुंदर है, जल्दी से जल्दी सब कथा पांडाल में आ जाएं। गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित आज जिस समय भोलेनाथ मैया सती को लेकर के जब संत के समाज से संतों के समाज से जब लौट करके आ रहे थे एक वृक्ष की छाया में जब बैठ गए ध्यान रखना भोलेनाथ को भगवान का दर्शन हुआ है। भगवान का दर्शन होता कब है? जब भगवान शिवजी और पार्वती जब इधर से गए थे तब दर्शन क्यों नहीं हुआ? कथा सुन के लौट के आ रहे थे
तब भगवान राम का दर्शन होगा। कथा सुनने से ये मिलता है, जब आते हो और जब लौट के जाते हो तो भगवान के लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हो, तब परमात्मा तुम्हें दर्शन देता है। लौट के आए तब दर्शन दिए। लेकिन सती को भ्रम हो गया था, क्योंकि भोलेनाथ ने जब मस्तिष्क झुका करके प्रणाम किया कि धन्य प्रभु, क्या मानुष लीला दिखा रहे हो। भगवान राम सीता मैया के लिए रो रहे थे। तो आज सती भगवान शिव जी से कहती है, प्रभु एक बात बताओ, जो दुनिया में तुम तो बड़ो कोई है, किनके लिए प्रणाम किया है। भोलेनाथ कहते हैं, एक बार कहेगी जय बहुत है, साक्षात नारायण घूम रहे हैं जंगल में। कहां है कि ये सामने रंग के आ रहे हैं, ये प्रभु श्री राम हैं, और इनके पीछे जो आ रहे हैं वो सेसव था लक्ष्मण। तो सती को भ्रम हुआ उनके, महाराज ना अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता नहीं है कि सीता को तो रावण ले गया है। सीता मैया लंका में का ये पेड़ बता देंगे कि जो हिरण बता देंगे, जो इनकी जेठ भर भर के रो रो के पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता देखी है। भोलेनाथ ने की बस ये तो नहीं होता है, अब ही मान जाओ। नहीं महाराज, तो ना मान नहीं तो परीक्षा कर लो। ध्यान रखना, भगवान के ऊपर शंका आज ही नहीं है, हमेशा से रही है। अब भी बहुत लोग इस बात को तुम्हें कहते हुए मिल जाएंगे कि कैसे विश्वास कर लेंगे भगवान है, अब भी नहीं मानते। अब कहते ही हैं कि हमने देखा नहीं है। अच्छा देखी तो तुमने हवा उड़ाए, हवा किसी ने देखी है, लेकिन हवा को तुम महसूस करते हो कि चल रही है। इसी तरह से भगवान को भी तुम्हें दिल में महसूस करना पड़ेगा। तो आज सती जांच करने के लिए चली हैं, भगवान की परीक्षा करने के लिए, लेकिन रूप बदला है क्या। अरे धरी सीता को रूप बदला और जाई रही है पर्वतिया, धरी सीता को रूप बदला, जाई रही है पर्वतिया, धरी सीता को रूप बदला, जाई रही है पर्वतिया। बराबर मानती है, सातों ही दीपों पर पूजा होती है। सीता बन के आई तो पहचान कर ली, सोता बंद हो अब लौट के चली जाए। जब लौट करके आई तो भोलेनाथ ने कही कर आई जांच, देख आई
कि दशरथ के लड़काएं भगवान है, अब झूठ बोली है। क्या बोली? कि कछु न परिचाली न गुसाई, सीता का रूप बनाया, भोले बाबा को धक्का लगा, सती ये तुमने क्या किया? अरे इस शरीर से तुमने जगत माता सीता का रूप बनाया तो तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, कई कुछ नहीं, केवल मन में संकल्प लेकर के लौट के चले। पर्वत पर समाधि लगा ली, न पलक खोले न सतीते, और बोले ना तो कितने दिन ना बोले, 87,000 बरस, इतने दिन ना बोले। है काऊ गुनिया गुनिया सिद्धि, 87 महीने ही है जान दे जो तलाक को मुकदमा पच जावे कोर्ट में। लेकिन विचार करना सभी मेरी बहनें, ध्यान से सुने, बिटियां सुने, तलाक शब्द उर्दू का है, उर्दू का शब्द है तलाक। ऐसे ही एक शब्द इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है डिवोर्स, ऐसा एक शब्द हिंदी में बता दो क्या है? हिंदी में एक शब्द है ही नहीं। ये हमारा देश जब आजाद हो गया था तब इसके लिए एक शब्द बनाया गया था, शादी का विच्छेदन, लेकिन जामे तो 3 शब्द है गया। लेकिन जिस तरह से तलाक एक शब्द है, ऐसे ही डिवोर्स एक शब्द है, ऐसे एक शब्द हिंदी में है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि मेरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व की सभ्यता में जा कर्म को कोई खाली जगह नहीं। देखो तुमने, शादी के बाद मंडप के नीचे गांठ लगाई जाता, पीछे बखा के पीछे, लोग अंदर को बचाए को ब्याह ना बोल लगे ही कहां दे। तो गांठ जब लगते तादना का स्टाम्प आओ तहसील पे के कलेक्टरी पे कोई कागज आए, पर सत्यता तो जग वो इतनी मजबूत लग जाते कि फिर मर के फंदा छूटे होता तो पहले छूटे ही ना। भारत में नहीं है जगह इस चीज के लिए, लेकिन आज इसे भी तमाशा बना दिया, तमाशा बना दिया। पहले हमारे यहां ये संस्कृति नहीं थी, जीवन गुजर जाता था पूरा, अगर बिगड़ भी गई है बात बीच में तो उन्होंने अपना समय काट दिया और उन्होंने अपना समय काट दिया। 87,000 बरस तक सेवा में खड़ी रही, कबू तो जगेंगे, लेकिन पलक खोला, रिश्ता वही रखा, दूरी रखी, पत्नी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि तुमने शरीर से सीता का रूप धारण कर लिया है। एक बार देवताओं के विमान जा रहे थे आकाश मार्ग से, सती ने पूछा महाराज जी कहां जा रहे हैं? कि जे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करी है तक नोते में जा रहे हैं, तो फिर तुम ना चल ले। बोले ना, बोले हमको नोतो ना। महाराज ऐसो कैसे, जब पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तब में सब नोते हैं, तुमको नोतो ना, क्यों भूल पड़ गई ना? सबसे पहले श्राप तो उन्होंने ही लगाया है, छेको तो उन नहीं है, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, ये रामायण में लिखा है। और जीवन में ध्यान रखना, समाज में जितने गलत काम होते हैं सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं, छोटे कर को लेंदे हो। तो आज सती कह रही हैं
और भोलेनाथ मना कर रहे हैं। तो कई के तो महाराज ना चलो एक ना कि मैं मनु जीव को सब बहने आई हुई जाई बहाने तो मिले आऊंगी। भोलेनाथ बार बार मना कर रहे हैं लेकिन सती नहीं मानी, नहीं मानी। तब दो गण शंकर दिए अगर नहीं माननी तो चली जा। एक बात ध्यान रखना, बिना बुलाए जा रही हो बिना सम्मान के जा रही हो तो तुम्हारी इज्जत वहां पे नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन ऐसा हो तो आए, आज तुम सही बात बता रहे हैं। काउत रहते भतीजे को ब्याह होए मायके में और पति को आनो जानो होए ना और शादी को कार्ड आ जावे घर पे और चार दिन रह जाए तो मालूम है कितनी बड़ी योजना बनाते हैं बहन जी। तब कहीं के ए सुनतना ते पीठ पे महलो है वो इनके मीड़ दू रोटी ठंडी है गई है गर्म कर ला एक दो दिन कपड़ा महल है तुम्हारी संता दिलो धो दू समझ लो खतरा है। और तब पीछे दिखाई जावे कि वो तुम तो जाओगे ना तुम कह दो तुम्हें लले ले के चली जाऊं कब दिन चांद मारे हो भैया तो लले ले के तो जानो ही हो फिर कपड़ा काई को धोए। ध्यान रखना तो आज सती नहीं मानी और जिस समय गई है बिना नोते के बिना बुलाए। अब ध्यान रखना अगर रामायण को पढ़ते हो और रामायण को मानते हो तो रामायण क्यों मानो, रामायण की मानो। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने के पिता गिर है जब गई भवानी जरूर मिली और भेने तो मुस्का मुस्का के मिली है। देख जागु नौ तो नाव तो हुआ गई है। सोता बंधो अब सती ने अपने पति का निरादर देखा, स्थान नहीं था वहां, शिवजी के नाम का कोई स्थान नहीं था। तब अपने पिता से जाकर के कही कि पिताजी मेरे पति का स्थान कहां है यज्ञ में। तो दक्षिणी जी ने सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है तो थोड़ो सा प्रसाद जो खा जा गई। लेकिन नहीं माने, भरे समाज में तौहीन कर दी बेटी की, पूरा दरबार लगा हुआ था। क्या कहा, ललित को बिना बुलाई